मार्च की बीती रात्रि को नारनौल के निजामपुर रोड पर एल्युमिनियम का काम करने वाले एक दुकानदार की पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में नारनौल सिटी थाना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति मृतक की दुकान पर काम करता था, जबकि दूसरा व्यक्ति हत्या करने वाले आरोपी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर घटना वाले दिन अपने ही घर पर ले गया और रात भर उसे घर पर ही रखा। 18 मार्च की बीती रात्रि को नारनौल के निजामपुर रोड पर स्थित सैनी धर्मकांटा के नज़दीक एक 29 वर्षीय युवक की रोड व डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नारनौल सिटी थाना पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कल मृतक का नारनौल नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए नारनौल सिटी थाना के जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इस हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक व्यक्ति जो कि मृतक की दुकान पर काम करता था, उसकी मृतक के साथ दुकान पर ही कहासुनी हुई थी और उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति, जिसने हत्या आरोपी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपने घर पर ले गया और घटना वाले दिन रात भर अपने ही घर पर रखा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुनीश्वरम जगदीश की लड़ाई झगड़े में चोटें मार करके उसकी हत्या कर दी थी और उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया था और पोस्टमार्टम करा के ना उसको वारसान के हवाले कर दिया था। और उस मुकदमे में दो आरोपी, एक दिनेश और देवेंद्र और गंजा और एक राकेश सनब मदन जो नारनौल के रहने वाले हैं, उन दोनों को कल ही गिरफ्तार कर दिया था। आज उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो दिनेश उर्फ देवेंद्र उर्फ गंजा है, ये पहले कुछ दिन पहले इसके पास काम करता था और काम के दौरान ही इनकी किसी बात को लेकर के कोई मनमुटाव हो गया था और जो उसी रंजिश के कारण या दिनेश ने मनीष की हत्या कर दी थी। और दूसरे व्यक्ति का क्या हुआ? दूसरा व्यक्ति उसके साथ था, उसके बाइक पे था, उसको नहीं पता था इसकी रंजिश क्या है। दोनों का झगड़ा हो गया था और झगड़ा होने के बाद वो उसके साथ था और उसको बाइक पे बैठा कर गया, अपने घर ले गया था, रात को वहीं रखा था।